हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकाला जाए। तो इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चंस ही डायरेक्टली सॉल्व करने पड़ेंगे। डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसमें मुझे दे रखा है एक स्टोन है जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एंड वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड्स कितना होगा। एक स्टोन को ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, बताना है कि 7 सेकंड में स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब जनरली इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे ये रहा स्टोन, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया, वेलोसिटी कितनी दी 50 मीटर्स पर सेकंड, स्टोन ऊपर जाता है, ऊपर जाकर स्टोन वापस नीचे आ जाता है, एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन असाइन करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो हमारे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है तो माइनस जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें टाइम पता ही है, 7 सेकंड्स का टाइम दिया गया है क्वेश्चन में, तो 7 सेकंड में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वी हैव s इक्वल्स टू ut 50 इंटू 7 350 माइनस, क्योंकि हाफ at स्क्वायर है प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू माइनस 10 इज माइनस 5, तो माइनस 5 इंटू t स्क्वायर 49, दैट इज इक्वल टू 105 मीटर्स। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये मेरा आंसर आ गया, जो कि डेफिनेटली गलत है। डिस्प्लेसमेंट 105 मीटर है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड 105 मीटर्स हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, हमें पता लगाना पड़ता है कि पार्टिकल ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, उस पाथ में पार्टिकल कहां से कहां तक गया है, और पाथ लेंथ, उस पाथ की लेंथ को मेजर करना पड़ता है। इसलिए हम इस प्रॉब्लम में क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगाने वाले हैं, क्रिटिकल टाइम्स। क्रिटिकल टाइम्स कौन कौन से हैं, क्रिटिकल टाइम्स का मतलब हो गया सबसे पहले तो इनिशियल टाइम जो कि t इज इक्वल टू 0 है, दूसरा फाइनल टाइम, और तीसरा टाइम व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि ये वो टाइम है जहां पर पार्टिकल टर्न करता है। तो हमने क्रिटिकल टाइम्स निकाले, ऐसा टाइम निकाला जहां वेलोसिटी 0 है, ऐसा टाइम निकाला जहां पार्टिकल टर्न करता है, क्योंकि पाथ लेंथ मेजर करने में कहां पर पार्टिकल टर्न किया है ये मेजर करना, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसी चीज के लिए सॉल्व करता हूं, क्रिटिकल टाइम के लिए सॉल्व करता हूं, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू 50 माइनस 10 टी, विच इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स 5 सेकेंड्स पे पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। हमें निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने डिस्प्लेसमेंट पहले ही निकाल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट आपका 105 मीटर्स है, दैट मीन्स पार्टिकल t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स पर यहां से 105 मीटर्स की हाइट पर है।
7 सेकंड्स है, दैट मींस 5 सेकंड से ज्यादा हो गया है, दैट मींस पार्टिकल इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर वापस नीचे आया है, ये आपका हाइट है 105 मीटर्स। तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो है बट एक डायरेक्ट लाइन नहीं है, बल्कि आगे जाकर पीछे आने वाली लाइन है, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। ये सबसे पहली चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल बीच रास्ते में टर्न कर गया है। तो अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालें, उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ेगी। सो फॉर मैक्सिमम हाइट, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो मान के एस निकाल लीजिए, आप यहां पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस अप्लाई कर देते तो आपको हाइट मिल जाती। वैसे आपके पास हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू जी, दैट इज इक्वल टू यू है आपका 50 मीटर पर सेकेंड, 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू 125 मीटर्स। तो अब हम इस पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करेंगे t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स के बीच में। ये स्टोन ने पाथ कैसा ट्रेवल किया, स्टोन ऊपर गया, कहां तक गया, 125 मीटर्स तक गया, यहां से वापस टर्न कर गया और आ गया यहां पर जो कि 105 मीटर्स पर है। ये आपका 125 मीटर से, ये 105 मीटर से, दैट मींस ये 105, ये 125, दैट मींस ये लेंथ कितनी हो गई, दिस इज 20 मीटर्स। तो आपके पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टोन का कितना है, लेंथ या पाथ लेंथ इज इक्वल टू ऊपर जाते वक्त 125 मीटर, नीचे आते वक्त 20 मीटर, दैट इज 125 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 145 मीटर्स। आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे मिला है, 125 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 105 मीटर्स, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट देती है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं देती। इसलिए क्वेश्चन में अगर कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा गया है तो तरीका क्या है, क्रिटिकल टाइम्स निकालिए जो कि इनिशियल और फाइनल तो ऑटोमेटिकली क्रिटिकल होते हैं, उसके अलावा टाइम्स व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, उन सारे टाइम्स पे जहां वेलोसिटी जीरो होती है पार्टिकल की पोजीशन पता लगाइए, पार्टिकल का एक्स पता लगाइए, उसके बाद उन पॉइंट्स को जोड़ते हुए पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करिए, पाथ की लेंथ कैलकुलेट करिए, वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। इस पर एक एग्जांपल और करेंगे जनरल केस में, ये तो सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी था, इसमें पता था हमें कि एक मैक्सिमम हाइट होगी। इन जनरल अगर हमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो पाथ लेंथ कैसे निकाला जाए ये देखेंगे।